डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म में आइए एक फर्दर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पी क्यू आर एस इज ए फोर बार मैकेनिज्म। द लेंथ ऑफ द लिंक्स पी क्यू, ये लेंथ दिया हुआ है पी क्यू, तो हम उसी स्केल में इसको टू टाइम्स स्केल लेकर के हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। क्यू आर का लेंथ मालूम है, उसके बाद आर एस का लेंथ भी मालूम है और एस पी ए का पी एस का भी लेंथ मालूम है। द क्रैंक पी क्यू रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ओमेगा क्या दिया है, पी क्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो हम साथ में करते भी जाएंगे। 10 रेडियस, तो यहाँ पे वी क्यू आप निकाल सकते हैं और वी क्यू क्या होगा, ओमेगा क्यू पी इंटू लेंथ ऑफ क्यू पी। दैट मीन्स ये आप जब कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू ये दिया हुआ है 62.5, तो 0.625 आ जाएगा, ठीक ना, किसमें, मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये एमएम में दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये आपको मालूम है कि वी क्यू का वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वी क्यू पी। उसके बाद इसके जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ होगा एक वेलोसिटी वी आर क्यू और एक इसके परपेंडिकुलर होगा और ये होगा वी आर विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे आपका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये P और S क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम P और S को क्या ले लेंगे, P और S क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा। ये देखिए Q मालूम है हमें, QR जो मालूम है वी क्यू, उसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो वी क्यू का लेंथ 0.625, अब एक सूटेबल स्केल ले लीजिएगा, ठीक है ना, अब इसको जो है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल जो है आप यहाँ वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ये क्या हो गया आपका Q, ठीक है। अब Q जब मालूम चल गया आपको, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया वी क्यू। अब दो हमें निकालना है, कौन सा, ये वी आर एस, ठीक ना, तो S भी यही पॉइंट है, तो इसी S के पॉइंट से हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे इसी के पैरेलल। अब ये कहीं पे हमारा R मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये आर क्यू देखिए मालूम है, ठीक है ना, तो ये आर क्यू मालूम है, तो इसके ही पैरेलल जो है आप क्या करेंगे, ये आप ले लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट जो आपको मिला दैट विल बी दी आर, ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल एस आर हो गया और ये आर क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या निकालने जा रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका वी क्यू मालूम था ऑलरेडी 0.625, ठीक है, वी आर क्यू, वी आर क्यू यहाँ से आप मेजर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आप मेजर करेंगे तो वी आर क्यू आपका आएगा 0.33, क्योंकि स्केल कन्वर्ट भी करना है, ध्यान रखिएगा। फिर वी आर एस, ठीक है ना, ये वी आर एस निकालेंगे, दैट मीन्स वी आर एस विल बी द वेक्टर ऑफ आर एस, ये वेक्टर आर एस, तो वी आर एस आपका निकलेगा यहाँ पे 0.426। उसी तरह से ओमेगा आर क्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ओमेगा आर क्यू क्या हो जाएगा, वी आर क्यू अपन आर क्यू, ठीक है ना, तो ये आपका ओमेगा आर क्यू लगभग 1.9 आ जाएगा। उसी तरह से ओमेगा आर एस निकलेगा, ओमेगा आर एस क्या हो जाएगा, वी आर एस का अपन आर एस, तो ये कितना हो जाएगा 3.78। तो ये तो आपका वेलोसिटी के कंपोनेंट सब निकल गए। अब हम चलते हैं ड्रॉ करने एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका डब्ल्यू आर एस हो गया था। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए क्या निकालेंगे, ये ए एक्सेलरेशन ऑफ, अब ये जो भी पी क्यू है इसका रेडियल कंपोनेंट होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले एस आर आपको मालूम है, वी आर एस, तो ये जो है ए रेडियल कंपोनेंट ऑफ, आप एस आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर एस अपन आर एस, तो ए एस आर कितना निकल जाएगा, वी स्क्वायर आर एस, ये 0.426 का स्क्वायर अपन ये आर एस का लेंथ आपको मालूम है, तो ये 0.112 हो जाएगा, तो ये आपका निकलेगा 1.613,
ये ध्यान रखिए 1.613। उसी तरह से आप निकालेंगे कौन सा ए आर आर क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वी आर क्यू आपको मालूम है। देखिए यहाँ पे वी आर एस निकाले, वी आर क्यू दैट मीन्स की वी स्क्वायर आर क्यू अपन आर क्यू, तो वी स्क्वायर आर क्यू आपको मालूम है 0.33 का स्क्वायर, और अपन क्यू आर का लेंथ आपको मालूम है 0.175, ठीक है ना। तो ये जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट 0.634, ठीक ना। और रेडियल कंपोनेंट ऑफ पी क्यू ये ए आर क्यू पी, तो ये क्या हो जाएगा क्यू पी का आपको ऑलरेडी मालूम था वी क्यू, ठीक ना, तो वी स्क्वायर क्यू अपन क्यू पी, तो ये आपको मिल जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए पी क्यू, अब ये पी और क्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी डैश ये आपका पी डैश और क्यू डैश के पी डैश और एस डैश, पी डैश और एस डैश क्या है फिक्स्ड पॉइंट है, पी डैश और एस डैश ये फिक्स्ड लिंक पे है, तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे पी डैश क्यू डैश ये पी क्यू क्या होगा, यही रेडियल कंपोनेंट होगा पी क्यू, ये आपको 6.25 मालूम है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका पी डैश और एस डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जो है पी क्यू मालूम है, तो यही रेडियल कंपोनेंट, और ये रेडियल कंपोनेंट कितना है 6.25, तो इसके अलोंग जो है इसके अलोंग आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या मिल गया आपका, ये मिल जाएगा आपका क्यू डैश पी डैश क्यू डैश, ठीक है मिल गया। अब दूसरा कंपोनेंट आप ध्यान दीजिए, क्यू डैश जैसे ही आपको मिल गया तो अब निकालना है क्या क्यू आर, तो क्यू आर का एक क्या होगा रेडियल कंपोनेंट और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो क्यू आर का यह रेडियल कंपोनेंट हमें मालूम है, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है। तो ये क्यू आर का जो रेडियल कंपोनेंट है, तो आप देखिए यही है रेडियल कंपोनेंट इसी के अलॉन्ग, और इसका लेंथ भी आपको मालूम है, इसको थोड़ा सा हम ये टेक्निक यूज करेंगे, और देखिए इसका रेडियल कंपोनेंट ए आर क्यू का ये आपको मालूम है 0.634, बहुत ही छोटा वैल्यू है, लेकिन जो भी छोटा वैल्यू है इसको हम इसको ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है ये ड्रॉ कर लिए। तो ये आपको मिल गया क्या एक्स, इसको मान लीजिए, और टेंजेंस ये कौन सा हो गया आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ आर क्यू, ठीक ना। और इसके परपेंडिकुलर जो होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा अब कहाँ होगा ये नहीं मालूम, लेकिन जहाँ भी ये मिलेगा ये कौन सा होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर क्यू, ठीक ना। और जहाँ भी ये मिलेगा ख़त्म होगा वहाँ पे क्या होगा आर, ठीक ना। तो अभी ओ नहीं मिला है हमें, आर डैश होगा, लेकिन ये कहाँ होगा ये अभी हमें नहीं मालूम, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, ठीक ना। तो इसकी राम कहानी हो गई। ये देखिए ए एस आर, तो एस तो फिक्स पॉइंट मालूम है, और ये एस आर रेडियल कंपोनेंट यही होगा, ठीक ना। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर, तो अब हम यहाँ से इसके अलोंग जो है इसके अलोंग आप ड्रॉ कर दीजिए कितना लेंथ, ये इसके अलोंग लेंथ आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा कितने लेंथ का ध्यान दीजिएगा, इसका ए एस रेडियल कंपोनेंट ऑफ मालूम है 1.63, तो ये हमने ले लिया, और इसको आप ले लीजिए मान लीजिए वाई, इसको आपने मान लिया क्या है वाई है, ठीक है। अब इसको जो है इसके जो भी आप परपेंडिकुलर खींचेंगे ये क्या है आपका रेडियल कंपोनेंट ए आर एस आर, अब इसका जो आपने आप वो खींचेंगे क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका जहाँ भी मिलेगा वहीं पे क्या होगा ए आर, और ये क्या हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एस आर, और ये जहाँ मिलेगा वहीं पे क्या हो गया आपका आर डैश, ये क्या हो गया आर डैश, ठीक ना। अब इसको मिला दीजिए, देखिए अब आपको सब कुछ मिल गया होगा, ये आपका पी डैश से आर डैश, देखिए ये मिल गया, और ये क्यू से आर मिल गया। अब देखिए आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना था आपको, जो भी आप फाइंड आउट करेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपको जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट था किसका ए टी एस आर, तो ये बाई मेजरमेंट यू कैन फाइंड दी ए टी एस आर कितना है,
और यही कितना होता है अल्फा एस आर इंटू एस आर, तो ए टी एस आर यहाँ से बाई मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। एस आर का लेंथ आपको यहाँ से मालूम है, तो क्या आप अल्फ़ा एस आर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये क्या है, ए टी आर क्यू, ए टी आर क्यू, ठीक है, इसको आप मेजर कर लेंगे, जिसको आप मेजर करेंगे तो यही क्या होगा अल्फ़ा आर क्यू, अल्फ़ा आर क्यू इंटू आर क्यू। तो यहाँ से ए टी आर क्यू यदि आपको मालूम चल जाए, ए टी आर क्यू क्या हो गया मालूम चल गया, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा आर क्यू निकाल सकते हैं, ए टी आर क्यू क्यू आर, तो यहाँ पे आर क्यू ले लेंगे तो ये अल्फ़ा आर क्यू निकल जाएगा। ये जो पी डैस आर डैस है, पी डैस आर डैस, तो सॉरी पी डैस आर डैस, सॉरी एस डैस आर डैस, एस डैस आर डैस, एस डैस आर डैस, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एक्सेलरेशन, एस डैस आर डैस बाई मेजरमेंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बाई मेजरमेंट लेंगे तो ये आपका 5.5 के समथिंग आएगा, ठीक ना, ये तो ये आपको 5.5, और अल्फ़ा एस आर यहाँ पे निकालेंगे तो ये मैं आपको आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 47.1 रेडियन पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से आएगा, ये अल्फ़ा एस आर आएगा आपका 47.1, आप मेजर करके देखिए। और अल्फ़ा क्यू आर, ये जो आपने निकाला आर क्यू या क्यू आर, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, अल्फ़ा क्यू आर ये लगभग आएगा 23.43, ठीक है, क्योंकि ये ए टी जो है आपका यहाँ पे 4.1 आएगा, और ए टी आर एस यहाँ पे, ए टी एस आर आएगा 5.3 और ये आएगा 4.1। तो इस तरह से आप सब वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये पी डैस और क्यू का, ये पी क्यू का, ये पी डैस क्यू डैस आप निकाल सकते हैं, ये जो आपने देखा अभी पी क्यू, तो ये आप ए पी क्यू आपने, यही रेडियल कंपोनेंट होगा, रेडियल कंपोनेंट ही ए पी क्यू होगा, ये आपने पी क्यू निकाल लिया था, ये एस आर निकल जाएगा और ये आर क्यू निकल जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप देखें कि कोई भी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पेशेंटली ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप आराम से ड्रॉ करेंगे तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से ड्रॉ हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आती है तो इसको एक बार दो बार वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सिंगल अटेम्प्ट में आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आए, ठीक है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप भी परफेक्ट बनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इन वीडियोज को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उनका भी फ़ायदा होते रहे, और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।